उत्तर प्रदेश की जनपद बस्ती के हरैया थाना क्षेत्र से जाली नोट बनाने वाले गिरोह के एक सदस्य को स्वाट टीम और पुलिस की टीम ने मिलकर गिरफ्तार किया है। पकड़े गए युवक के पास से 1,34,000 रुपए की जाली नोट पुलिस ने बरामद किए हैं, जिसमें 250 जाली नोट 500 के और बाकी के जाली नोट 200 रुपए के हैं। वहीं पकड़े गए अभियुक्त की निशानदेही पर पुलिस ने प्रिंटर और स्कैनर भी बरामद कर लिया है। पकड़ा गया युवक बहराइच जिले का रहने वाला है। वहीं पूछताछ में एक और युवक का नाम सामने आया है। दोनों मिलकर नकली नोट बनाने का काम कर रहे हैं। 50,000 रुपए लेकर 1,00,000 रुपए की नकली नोट देते थे। वहीं इस मामले में एसपी ने बताया कि कंप्यूटर से असली नोट को स्कैन कर नकली नोट को बनाया जाता था। और हैरान करने वाली बात यह है कि नकली नोट देखने में बिल्कुल असली जैसे लगते हैं, इसे आसानी से पहचाना भी नहीं जा सकता है। ये जो हमारी क्राइम ब्रांच की टीम स्वाट की टीम है और थाना अररिया के संयुक्त ऑपरेशन में एक व्यक्ति को जो बहराइच रहने वाला है उसको अररिया क्षेत्र से गिरफ्तारी की गई है। उसके कब्जे से 1,34,200 रुपये नकली नोट बरामद हुए हैं। 500 रुपये के 250 नोट और 46 नोट जो है 200 रुपये के और प्रिंटर स्कैनर सभी उपकरण जिससे ये बनाते थे नोट वो हुआ है मिला है। पूछताछ पे बताया है कि ये जो अपने कंप्यूटर पर उसको स्कैन करके असली नोट से नकली नोट बनाते थे, बड़ा देखने में बिल्कुल असली लग रहा है। बस्ती से जनमत न्यूज़ के लिए अजीत सिंह की रिपोर्ट।